नमस्कार, जय जगन्नाथ। तो फिर हम यहाँ पे आगे पहुँच चुके हैं नमाल धाम पर। नमाल धाम से बिल्कुल बाजू में है महिमा गाड़ी। तो संत अच्युतानंद दास जी की जो फटशिष्य हैं रामदास जी की वंशज हमारे यहाँ मौजूद हैं, श्री सच्चिदानंद दास जी और साथ में हैं आत्माराम दास जी। आपसे बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं। तो हम दस जाना चाहते हैं कि ये वो मालिका का जो प्रेज है, मतलब सभी लोग जो है जो ओडिशा के जो पांच महासंत पंचसखा, तो उनके द्वारा जो लिखा गया है मालिका, समाज को क्या बात देता है उसके बारे में लिखा गया है। उसके बारे में क्या हर बताओ। और जगन्नाथ जो पंचतत्व होता है, सनातन धर्म का जो पंचतत्व होता है, पंचतत्व की सेवा, हमारे शरीर जो होता है पंचभूत में होते हैं, पंच महाभूत से वो आया हुआ है, वो शरीर गठा है और पांचों नियम है, वो जो नियम पांच है पंचसखा के अंदर एक एक नियम पकड़ के सब कुछ सिद्ध हो गया। और सत्य वो पांच नियम है, पहला सत्य, शांति, दया, क्षमा और अहिंसा, ये पांचों को पकड़ के वो लोग चलते थे, गुरु की आज्ञा पर हमेशा चलते थे, पंच महाभूत में वो लोग लीन हो गए। लेकिन इसका जो काव्य है, जो शास्त्र है, जो मालिका है, वो कभी सूरज चंद्र जब तक होंगे तब तक वो डूबने वाला नहीं है, ऐसा ही चलता ही रहेगा। वो सच्चा ही सच्चा, हमेशा सच्चा, सोना जितना भी कीड़े पे पड़े वो सोना ही है, सोना ही है। तो फिर आगे चल के ये हम जो पीठ में है ये है महिमा गाड़ी। हाँ। तो आगे चल के यहाँ पे क्या कुछ होगा भक्तों के लिए संदेश? भक्त के लिए संदेश यही है, मालिका जो कहता है अब तो महाराज बताएंगे, मैं मुझे इतना ही पता है, जितना भक्त यहाँ हुआ इधर उधर भटक रहे हैं और समय वक्त अभी आ गया है, वो सब इकट्ठे हो गए और प्रभु के जो एकाक्षर नाम तत्व है, एकाक्षर है, वही नाम को हर एक प्रचार करेगा। तो मतलब बसने का बस एक ही रास्ता है और कुछ नहीं, एक ही है, एक से अनेक होता है, एक से अनेक, अनेक से कोई एक नहीं होता, अनेक से जो एक होता है वो डूब जाता है, एक से जो अनेक जो होता है वो विस्तृत होता है, विस्तारित होता है। इसीलिए हमेशा इंसान को इसका अंदर जो मानवीयता है, इंसानियत है, इसको हमेशा जागृत करना चाहिए और सत्य की राह पर चलने के लिए फैलाना चाहिए, चारों तरफ सारी विश्व में सृष्टि में फैलाना चाहिए। तो यही तो महापुरुष की निर्देश है। तो महाराज जी आप तो नागासाद में, तो फिर अंतिम कालखंड में, अंतिम पर्याय में युग परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, उस समय नागासाधुओं की क्या भूमिका रहेगा? भूमिका रहेगा, पहला है भगवान कृष्ण ने कहा गीता में, कर्म ही में पहला पहाच है जीने के लिए, कर्म करो, कर्म करो, और कर्म के अंदर ही धर्म छुप के रहता है, अधर्म ही रहता है। कर्म पांचों प्रकार है, पांचवा प्रकार को छोड़ के उसका अंदर विकर्म, अकर्म, सुकर्म, अपकर्म, वो पांचों होता है। जैसा सुकर्म करने से इंसान को शांति मिलता है और कोई उसे देखता है पूजन करने के लायक वो हो जाता है, लेकिन जो अपकर्म, अपकर्म, विकर्म जो होता है वो सब नष्ट की होता है। और क्या बताओ, और जब बताएंगे महंत निर्मल भट्ट पर हमेशा नहीं, एक साल में चार पांच बार आता हूँ। क्या मानना है वहाँ पे, ऐसी क्या खासियत है? खासियत तो बहुत कुछ है, वो अंदर गुप्त बात है, हम तो बच्चा है, हमको क्या पता है, वो तो अनंत ही अनंत है। गुप्त बात आप जो कहते हैं ये गुप्त ही रह जाता है, गुप्त ही नहीं, ये सब खुलने का नहीं है, ये सब खुलने का नहीं है, बगैर गुरु के आज्ञा, गुरु के सिवा और गुरु भाई के सिवा छोड़ के इधर उधर फैलाने का नहीं। और जितना जो आपका जो सिनेमा टीवी वाले सब आते हैं, वो सब आते गुप्त बात बताओ, इसका क्या धर्म होता है? नहीं, ये तो गुप्त बात है, जो गुप्त बात है वो तो प्रकाश नहीं होना चाहिए। हाँ, गुरु शिष्य के अंदर ही होते हैं, जब वक्त आएगा तब करके दिखाना चाहिए हर एक साधु को, हर एक भक्त को करके दिखाना चाहिए, ये सत्य है, ये झूठ है, झूठ को छोड़ो, सच को पकड़ो, तो शांति फैलाओ और खुद भी अनुभव करो शांति क्या है, सच्चाई क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जगन्नाथ, जय जय पंचसखा।